हाय एवरीवन, आपने मेरा इंट्रो वीडियो तो देख लिया होगा। अगर इंट्रो वीडियो देख लिया है तो उसका मेकअप मैंने कैसे किया है वो भी देख लेते हैं। ये मेकअप मैंने अपने खुद के DIYs और जो बचे कुचे प्रोडक्ट्स है वो अब मैंने पैसे से खरीदा है। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सो चलो, मैंने मेकअप कैसे किया वो देख लेते हैं। चलिए, मैंने अपना मुँह धो लिया है। अब मुँह धो लो तो बस पैड ड्राई कर लेना। टोनर लगाने से पहले मैं ये एक बात बताना चाहती हूँ, जो मेरा स्किन है ना वो टी जोन में ऑयली नहीं, पूरा स्किन ऑयली है। सो जो भी मैं प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ ना, जो भी मैंने DIY बनाया है वो मेरे पिंपल्स, एक्ने, ऑयली स्किन के बेस्ड में ही मैंने DIYs बनाया है। सो ये जो टोनर है वो पहले मैं अप्लाई कर लूँगी, बट जस्ट ऐसे से डैप डैप कर लेना। टोनर क्यों लगाना चाहिए एक्चुअली? टोनर इसलिए, सी टोनर ओनली ऑयली स्किन के लिए नहीं होता है, सारे स्किन टाइप के लिए होता है। सेंसिटिव, कॉम्बिनेशन, ऑयली, ड्राई स्किन्स, सब लोग को टोनर लगाना चाहिए, क्योंकि टोनर एक्चुअली हमारे जो pH लेवल है स्किन का उसको बैलेंस करता है, फ्रेशनेस भी देता है आपकी स्किन को। सीरम अगर आप नहीं करना चाहते तो उसको स्किप कर सकते हो, मॉइस्चराइजर लगा लेना। बट मैंने खुद का सीरम बनाया है, ये कॉफ़ी और राइस का सीरम है, एक या दो बस मैंने तीन, उसको बस ऐसे ऐसे डॉटेड जैसे लगा लेना और जस्ट उसको ऐसे 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 करना, ऐसे ऐसे मत करना प्लीज स्किन में। ये जो सीरम होता है ना वो हमारी स्किन के अंदर तक जाकर उसका काम करता है, जो मॉइस्चराइजर नहीं कर पाता है। मॉइस्चराइजर आप लगाते हो वो है ना आउटर सरफेस तक ही रह जाता है, बट जो सीरम होता है वो अंदर तक जाता है, वो अपना काम करता है। वेरी स्मूथली आपको लगाना है ये। मेरा राइट, देखिए मैंने अच्छी तरह लगा लिया है। सो ओके, सीरम तो मैंने लगा लिया है, उसके बाद मॉइस्चराइजर। देखिए ये मेरा DIY मॉइस्चराइजर है, इसको मैंने लैक्टोकैलामाइन के साथ ही बनाया है, इसलिए आपको पिंक कलर नजर आ रहा होगा। ओके, सीरम लगाने के बाद बस 2-3 मिनट वो जब एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा लीजिएगा। डॉटेड की तरह लगाइए। अब इसको आप अच्छे तरह उसको ऐसे कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर क्यों लगाते हैं? एक्चुअली मॉइस्चराइजर का ये यूज होता है हमारे स्किन पे कि वो प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को और मॉइस्चराइज भी करता है, मतलब बहुत स्मूथ। जैसे कि अगर आपका स्किन बहुत ही टू मच और टू एक्सट्रीम ड्राई है और टू एक्सट्रीम ऑयली है, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि मॉइस्चराइजर का क्या काम है, ऑयली स्किन वाले स्पेशली। मैं ये सोचती थी एक्चुअली, मैं पहले कुछ नहीं लगाती थी, बस मुंह धोया और एलोवेरा लगा लिया और सनस्क्रीन लगा लिया। बट जब मुझे ये लगा कि नहीं, मैं जो स्किन केयर कर रही हूँ गलत है और मेरे को बहुत पिंपल्स आने भी आ रहे हैं, तो मैंने अपना स्किन केयर रूटीन चेंज किया है। और ज़्यादातर जब मैं घर में रहती हूँ तो मैं खुद के DIYs के साथ ही स्किन केयर करती हूँ। अगर मैं बाहर जाती हूँ तो तब मैं ब्रांड्स, अलग अलग ब्रांड्स जो ऑयली स्किन के लिए होते हैं स्पेशली, उसी को यूज़ करती हूँ। तो देख लिया आपने, मैंने अच्छी तरह लगा लिया मॉइस्चराइजर। अब आती है ऑब्वियसली मॉइस्चराइजर तो लगा लिया, अब आती है मेन पार्ट ऑफ आर स्किन केयर। सो सनस्क्रीन के बिना आप बाहर नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल इफेक्ट्स से, जैसे कि UVA, UVB, ये सारे हार्मफुल रेज जो होते हैं। जितना मुझे चाहिए मैंने उतना ले लिया है और बस मैं देखिए मैं ऐसे ऐसे लगा रही हूँ। प्लीज ज्यादा जोर मत दीजिएगा आपके स्किन के, जस्ट ऐसे बस ऐसे से डैप डैप कर लीजिएगा। मुझे काजल लगाने का शौक है, एक वैकी का काजल है जो मैं लगाती हूँ।
ये स्पॉन्सर नहीं है। लिप्स की बारी। सो लिप्स के लिए मैं अपना DIY लिप बाम लगा रही हूँ, जो आपके लिप्स को बहुत मॉइस्चराइज भी करेगा। सो मुझे बिंदी लगाने का शौक है, तो मैं रेडी हूँ और ये मेरा फाइनल लुक है। अगर आपको ये लुक पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। ये बहुत सिंपल सा था, बहुत लोगों को सिंपल लगेगा, बट मैं ये डेली मेरा ये डेली फाइनल भी नहीं बोल सकती, क्योंकि मैंने मेकअप कुछ फाउंडेशन कंसीलर कुछ भी नहीं लगाया है, बट ये मैं बोल सकती हूँ कि DIY मेकअप लुक है। सो ये डेली मैं ऐसे ही मेकअप करती हूँ मेरे DIY के साथ। अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं ब्रांड्स यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं घर में इसी को ही प्रिफर करती हूँ। सो मैंने आपको मेकअप कैसे किया है वो तो दिखा दिया है DIY के साथ, अब मेकअप कैसे उतारूंगी वो भी मेरे DIY के साथ, वो आप देख लीजिएगा। ये जो बॉक्स में आप पानी और ये जो वेट वाइप्स देख रहे हैं ना, वो मेकअप को बहुत ही इजीली रिमूव करता है। अगर ये मैंने कैसे बनाया वो आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। लिपस्टिक वाइप का मैंने एक पीस लिया है और मैं आपके सामने ही उसे क्लीन करके दिखाऊंगी। देख रहे हैं आप, उसने मेरे जो भी DIY मेकअप है उसको रिमूव कर दिया है। अगर मैं पूरा मेकअप आपको इसे रिमूव करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो मैं आपको मेकअप रिमूव करके फिर मिलती हूँ। सो देखिए, जो मैंने DIY मेकअप रिमूव वाइप्स बनाया था उसने मेरे सारे मेकअप को कितना इजीली रिमूव कर दिया है, और ये आपके स्किन को हार्म भी नहीं करेगा। अगर अब मैं फेस वॉश जो मैंने बनाया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये नीम का DIY फेस वॉश है, ज़्यादातर यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि मेरा ऑयली स्किन है, पिंपल्स होता है। सो अगर ये भी आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना, ठीक है? तो मैं अप्लाई करके बता, तो मैं एक स्पून ले रही हूँ और मैं आपको अप्लाई करके बताऊँगी। अप्लाई कर लिया है पूरा मेरे पूरे फेस में, बस उसको 2-3 मिनट मसाज कर लीजिएगा, दिखाऊंगी। आई एम रेडी विथ मी विथ माई DIY। अब मैं मूड होके आपको मैं बताती हूँ कि मेरा स्किन कैसे दिखता है। तो ये है मेरा आई एम रेडी विथ मी विथ माई DIY। वीडियो के साथ इसलिए कनेक्ट किया है क्योंकि यही मेरा, आपने देखे हो बहुत, मैंने स्मॉल बैचेस में बनाया क्योंकि मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ DIY मेरी स्किन के हिसाब से। या अगर आपको किसी भी चीज़ का DIY चाहिए तो प्लीज़ मुझे मेल कर लेना, नहीं तो कमेंट्स करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। सो यही है मेरा फर्स्ट वीडियो। मेकअप DIY लुक पसंद आया है तो CLS ज़रूर कर देना, कमेंट्स लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड्स लाइफ, वेलकम टू माय चैनल।